प्यारे प्यारे बच्चों, दिलकश चेहरों, सुनते कानों, बोलती जबानों, देखती आँखों, थके हुए जहनों, सबको उमर शरीफ का सलाम। गो के इस सलाम का बुनियादी मकसद यह है कि आप तक मेरा सलाम पहुंच जाए और इस सलाम के साथ साथ आपको यह भी पता चल जाए कि मैं प्रोग्राम शरीफ शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और दूसरी बात है कि आज हम जो मौजूदात को डिस्कस करेंगे, उन मौजूदात के अंदर हमारी जो गुंजाइश है वो ज़्यादा ख्याल हमारे इस बात के ऊपर कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबार पेपर मीडिया और फिल्म का मीडिया आवाम के लिए क्या कुछ कर रहा है, ये कर रहा है भी कि नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो उसकी वजूहत क्या है। इसके लिए हम बहुत सारी शख्सियत को ऑनलाइन देंगे, मगर इससे पहले हम नोशी डालेंगे इस बात के ऊपर कि हमारी तरबियत के अंदर मीडिया का कितना बड़ा हाथ है, क्या थिएटर के ड्रामे, टेलीविजन के ड्रामे और फिल्में माशरे को सुधारने में कामयाब हुई कि ना हुई, अगर नहीं हुई तो उसकी वजह क्या है, बुनियादी वजह को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास ऑनलाइन जो लोग होंगे वो लाइन पर ही रहेंगे हमारे साथ और लाइन से अलग नहीं होंगे, यानी कि ट्रैक से नहीं उतरेंगे और ट्रैक से उन्हें उतरने भी नहीं, हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और सवाल के जवाब के लिए हमारे साथ लाइन के ऊपर होंगे। हम मौजूदा थिएटर की बात करेंगे, हम मौजूदा फिल्म की बात करेंगे, टीवी की बात करेंगे और पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड की बात करें, क्योंकि हमें एतराज है तो इस बात के ऊपर है कि आखिर इस किस्म की फिल्में क्यों बन रही हैं, उनके नाम ऐसे क्यों रखे जा रहे हैं जिन नामों में ही फिल्म का अंदाज बयां समझ में आ जाता है और देखने वाला नाम से ही अंदाजा लगा लेता है कि अंदर फिल्म क्या होगी। इन सारी बातों को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा, हम लेंगे बारिश में गाना और वो भी गाना और वो भी बारिश में, आप अंदाजा लगाइए ये क्या बारिश है जो खास इन्हीं हीरोइंस पे होती है और कहीं से बादल घेर के लाकर इन पे बरसाए जाते हैं। ये सही तरह नहा लें और ये नहाए और इनका गाना भी एक्सपोज हो जाए, हाय हाय, ये बारिश और लोगों पे क्यों नहीं होती, और भी तो दुनिया में औरतें हैं, वो बारिश में इस तरह क्यों नहीं नहाती, ये फिल्मी औरतें बादलों के साथ क्या करना चाहती हैं, बादलों को शर्मिंदा करना चाहती हैं या बादलों को बताना चाहती हैं और बरसो देखा मुझे, क्या चाहती हैं ये। इनका ये पता लगाने के लिए हमने एक ऐसी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन को यहाँ मधु किया है कि जो पश्तो, पंजाबी, उर्दू, तकरीबन हमारे यहाँ जो फिल्में बनती हैं इनमें सब में फिल्में बना भी चुकी हैं, एज हीरोइन भी काम कर चुकी हैं, एज डायरेक्टर भी काम कर चुकी हैं और फिर उन्होंने अपना पोर्टफोलियो चेंज किया और ये पॉलिटिक्स में गई और अब एक जमात है जिसको वो रन कर रही हैं, उसकी चेयरमैन हैं, उस जमात का नाम है तहरीक-ए-मसावात। और हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही मायनाज हीरोइन रही हैं, आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगी हमारी पहली मेहमान शरीफ शो की मुसर्रत शाहिद। मैं आपको शरीफ शो में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत मेहरबानी, मैं आपकी और जियो की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतने बड़े प्रोग्राम में बुलाकर और मेरा कद और बड़ा कर दिया। और बड़ा हो गया कपड़े छोटे हो गए कद बड़ा हो गया कपड़े छोटे हो गए तो हमने आपका नुकसान कर दिया। बारह मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका, मैंने आपके इंट्रो में बताया कि आपने राज किया पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पे, एज ए एक्ट्रेस भी, एज ए प्रोड्यूसर भी, एज ए डायरेक्टर भी आपने बहुत सारी फिल्में बनाई और फिर आप माशाल्लाह
पॉलिटिक्स में गई और आपने वहाँ भी ख्वातीन के लिए आपने खास तरह से काम किया और करती रही हैं आप बहुत सारा काम, सोशल वर्क करती है माशाल्लाह। जी, हमारी एक एनजीओ है ना, पीस वर्ल्ड फाउंडेशन। पीस वर्ल्ड, जब पीस का कोई मसला था ही नहीं जब से हमने एनजीओ बनाई हुई है जी। ये ट्राइबल में ज्यादा आप काम कर रही है वहाँ। बेटी का नाम भी अमन है, लोग कहते हैं बेटी का नाम, बेटी का नाम भी आपने अमन रखा, यानी कि। और एनजीओ का नाम भी आपने पीस वर्ल्ड फाउंडेशन। अब तो पीस की देखें, पूरी दुनिया में पीस की बात हो रही थी और मैंने 1996 में ये आवाज़ उठाई थी कि पीस की ज़रूरत है, कुछ कर लो। तो मेरे भाई, जैसे इन हालात में ना, आप बिलीव कीजिए, ये आपके मुंह की तारीफ नहीं है, आपका शो जब देख रहे होते हैं, इस तरह के बहुत कम ही शो होंगे, नंबर वन आपका है नो डाउट। अलग चैनल, और चैनल भी नंबर वन है। सच्ची बात करें तो आप देखें ना, फिर ये गवाही होती है। तो वो ये है कि इस तरह के प्रोग्राम इन हालात में लोगों के लिए, मैं समझती हूँ कि आखिरी सहारा। जैसे किसी ज़माने में अदलिया जो होती थी वो इंसाफ का वो आखिरी सहारा आवाम समझती थी कि ये है, लेकिन अब अदलिया से भी एतमाद उठ गया है, क्योंकि अब बहुत पैसे होंगे तो कोई बड़ा वकील रखेगा तो जाके मुकदमा लड़ेगा, और कोई कंसन में भी कुछ देगा तो उसके बाद ही जाके तो बड़ा वकील होगा, कुछ सही केस लड़के फैसला कराएगा। लेकिन ये है कि वो बारिश का वो कतरा कही क्या मिसाल है कि वो, मैं समझती हूँ कि आपका ये शो बारिश का एक कतरा गानों में, जो फिल्मों में बारिश हो रही है, आप इस बारिश को क्या समझेंगी? ये महकमा मौसमियात की गलत इतला है या ये बारिश खास करवाई जाती है जी। और ये खास तौर से हीरोइन के ऊपर ही क्यों होती है? बराबर में हीरो खड़ा सूखा हुआ। कई हीरो बीमार भी होते हैं ना, उन्हें एलर्जी भी होती है ना बारिश से, तो अपने ऊपर पानी नहीं डलवाता ना, उसको खारिश की बीमारी होती है जैसे किसी को, तो उन्होंने मना किया होता है कि हम पे बारिश नहीं डालती। लड़कियों पे इतनी बारिश क्यों होती है? नहीं उमर भाई, वैसे अब ना ये जो बारिश के गाने, जैसे ठीक है एक टॉपिक आपने पकड़ा है तो ये गलत बात, और ये जहालत की वजह से होती है, जहाँ पे कोई सोच ना हो, कोई आइडिया ना हो, कोई सब्जेक्ट ना हो, कोई सब्जेक्ट ना हो, सही बात है, आप लिखना पढ़ना आता ही ना हो ना, बस ये हो कि यार बस ये कर लो भाई, ये का उर्दू फिल्म बना रहे हैं लेकिन उर्दू पंजाबी में बोल रहे हैं, ओ जी मशरीफ साहब आपने ऐसे आना है तो आकर तो आपने इधर बैठना है तो यहाँ से फिर आपने उठना है तो बड़क मारनी है एकदम। ये होना चाहिए कि पंजाबी फिल्म पंजाबी में बने और जो जिस जबान की पिक्चर है उसका माहौल पिक्चर में होना चाहिए, माहौल पिक्चर में होना चाहिए, उसके बारे में जानते भी हों वो कि क्या सही, है सही, सही। अब आप ये देखें कि ये बारिश या फिर गुजरों की सारी फिल्में, या हर फिल्म में 13-13 गाने और 10-10 फाइटें, और बल्कि पश्तों में तो ये होता था जी कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है बड़ी मोनोपोली होती थी, वो तो आज बहुत बड़े लोग बन गए, उन पर तो कोई इल्ज़ाम भी नहीं आता, और उनकी ये डिमांड होती थी कि 13 गाने होने चाहिए और 10 फाइटें होनी चाहिए। अब आप देखें कि आपकी जो उर्दू फिल्म होती है वो तो 12,000 फीट होती है, हमारी पश्तो जो होती है वो 13,000 फुट की फिल्म होती है, और बाद में ये कहना शुरू हो गए जितनी छोटी फिल्म होगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, तो उन्होंने कहा छोटी कैसी होगी, 13 गाने, और पश्तो में एक गाना कम अज़ कम 500-600 फुट का होता है, तो 500-600 फुट का पश्तो, आप ये देखें ना, या कुर्बान, वो जो म्यूजिक चल रहा है वो या कुर्बान ही, कोई एक मिनट का तो या कुर्बान होता है ना खाली, वो जो आखिरी गाना होता है उसमें ये कि हमने डिस्ट्रीब्यूटरों को कहा कि भाई इसमें कहानी क्या हो गई, तो डिस्ट्रीब्यूटर आप बिलीव कीजिए, मुझे भी वो बड़े टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता सैन में ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि उनका कहीं और बड़ा नाम हो गया, तो वो कहने लगे कहानी की क्या ज़रूरत है, वो भाई कहानी नू की करना है, तुसी बस विच सीन पा लिया करो, मसलन हीरो आया हो एक दोस्त नू मिले है, तुसी गाना पाना है तो दोस्त उन्हें कह रहे हैं यार की हाल है तेरे घर, हालात ठीक ने? उन्हें कहा बड़े हालात ठीक ने माशाल्लाह, मेरा भरा पास हो गया। उन्हें कहा तेरा भरा पास हो गया, फिर टंग टकोर का कोई बंदोबस्त होना चाहिए, ये पछतो तो गाना किसका बंदोबस्त, मतलब टंग टकोर का मतलब होता है कि कोई हल्ला गुल्ला, टंग टकोर, अब टंग टकोर विलन भी दो, अगर किसी को मारा है विलन ने या मार खाई है जिंदा बच गया है, तो वो दो विलन आपस में मिले तो वो भी कह रहे मड़ा
तुमने वो मार दिया उसको हीरो को, या तुम ठीक हो गए? तुम्हें जो इतनी चोटें हीरो ने खूब तुम्हें फेंटी लगाई थी, तो कहते हैं ठीक हो गए, फिर कहते हैं टंग टकोर का बंदोबस्त, तो मुजरा शुरू हो जाता है साथ ही। अब पश्तो में हीरो हीरोइन, अब डिस्ट्रीब्यूटर हमें कहानी बता रहा है ये, अब डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे हैं हीरोइन के कैसे गाने जी रखेंगे, ये तो हमें समझ चले आपकी आगे हीरोइन का गाना कैसे हो, और हीरोइन का कैसे, जब हीरो हीरोइन मिलेंगे तो हीरोइन पूछेगी, अक्सर हीरोइन ही बेचारी पूछती है कहाँ चले गए थे तुम, कहाँ चले जाते हो तुम, कहाँ चले जाते हो, जाते तुम्हें चले जाते हो तो आते क्यों हो तुम, आते क्यों नहीं, ये नहीं पता कि दो तीन डेटा मार के और मतलब जगह से वो आया होता है। अब वो उसे जब वो कहती है कि आप कहाँ गए थे, तो वो कहते हैं बस मैं गया था, अब तो आ गया हो ना, कहती हाँ आ तो गई हो, लेकिन हमेशा मेरे ख्यालों में, बस तुम मेरे ख्यालों में रहते थे शहजादे बन के, वो चाहे कुल्ली का रोल कर रहा है ना, वो शहजादे के रूप में आ गया और ड्रीम में जाना चाहिए। अब जब वापस आए गाने से तो सर पे संदूक रखे थे। अब आप खुद एक फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर और इतनी कामयाब आप एक्ट्रेस रही हैं माशाल्लाह, आपने कितनी फिल्में की होंगी? आप मैंने 275 पश्तो पंजाबी उर्दू सारी मिला के, वो तो गूगल पे या याहू पे जाएं आजकल तो आपको वो रखने की जरूरत नहीं है, सारा रिकॉर्ड उसमें आपको मिल जाता। अच्छा, आपने एक आपकी फिल्म थी दुल्हन एक रात की, जी बड़ा खूबसूरत आपने काम किया था माशाल्लाह, छोटा सा रोल था लेकिन लोग कहते हैं बड़ा मेजर था, अच्छा रोल था वो, बड़ा प्यारा मुझे लगा, बड़ा अच्छा करेक्टर था। इस तरह आपने बहुत सारी, आप मोहम्मद अली साहब के साथ भी हीरोइन आई जी, अली भाई ने फिर मेरी डायरेक्शन में, और अली भाई मैंने सुधीर साहब के साथ भी एज हीरोइन किया, नहीं नहीं इनायत भट्टी साहब के साथ एज हीरोइन किया, अकबर खान ना मानो फिर भी अकबर खान जी, नहीं उन्होंने तो मेरे साथ वो बड़े, तब तक ना बहुत एंड पे जैसे हालात हुए उसी तरह वो लिबरल टाइप, लिबरल ही कहेंगे, प्रोग्रेसिव हो गए थे, और उस फिल्म में जो उनके साथ मेरी फिल्म थी वो नहर, जो लाहौर में वो कनाल रोड के ऊपर नहर है ना, उसमें वो मेरे साथ नहर के अंदर उनका गाना था, वो प्रोड्यूसर के पास बारिश के पैसे ना हो सारा पानी नहर में घुसा दे, सारा पानी नहर से बाहर तो नहीं आ गया। ये बताइए आपने किस किस हीरो के साथ किया, मोहम्मद अली साहब, सुधीर, शाहिद नदीम, गुलाम मईउद्दीन, मैंने उनके साथ गुलाम मईउद्दीन के साथ भी किया, यूसुफ खान के साथ भी किया, सुल्तान राय साहब के साथ बहुत ज्यादा काम किया, सिर्फ उमर शरीफ एक ऐसे हीरो है जिन्होंने मुझे अपनी फिल्म में नहीं लिया। अब लो हैं, अब इंशाल्लाह ताला अब मैं एक फिल्म बना रहा हूं, क्या मुझे दादी के रोल में लेंगे? नहीं 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 नहीं, हीरोइन ही लूंगा आपको, पक्की गल है जी, पत्थर तो लगी रहे, हीरोइन मैं, हीरो आप, हीरोइन, और आप देखिएगा फिल्म लोग देखने आएंगे ये हुआ क्या है, कुछ लोग गुस्से में आएंगे क्या हुआ क्या ये, कुछ मुझे फोन करेंगे ये क्या है ये सब, जाके देख लो भाई, मतलब फिल्म तो चलेगी, हमारी फिल्म चलनी चाहिए, नहीं वो, और आप इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं, आपको हीरोइन बनने की जरूरत नहीं, आप आर्टिस्ट भी बहुत आला है। अब वो मुझे बच्चे ना, बच्चे क्या, हर किसी के बच्चे जो यंगस्टर्स हैं, जिसके घर भी जाऊँ ना, आपका मेरा वो जो शो हुआ था जिसमें उमर शरीफ विद सुपरस्टार, वो सुपरस्टार नाइट्स की थी, उसमें आप तो बड़े चलाक हैं और मैं तो बिल्कुल भोली और बिल्कुल अलग है, मतलब बच्चे से आप भी हैं लेकिन यानी कि बड़ी छुपी हुई उम्र है, आप मेरे से उम्र में बड़े, नहीं नहीं उसमें तो मैं ठीक है, फिगर हैवी लग रहा है, झुकते आपने बड़ी मारी हुई है मुझे, लेकिन मैं कितनी बेवकूफ़ सी हूँ अल्लाह की कसम, अभी 3-4 दिन पहले मुझे कोई दिखा रहा था, नहीं, आप नहीं, मेरी किट लगाई जा रही है और मैं इतने अच्छे अच्छे जवाब दिए उसके अंदर, यकीन करें, लेकिन आप भी बहुत मासूम से थे, इतने चलाक नहीं थे वैसे जितने अब हैं, मैं बड़ा मासूम हूँ अल्लाह की कसम, अरे मुझे देखो इन जालिमों ने क्या किया, आटे का कोट पहना के बिठा दिया, लोग इतना बेल्ट से नहीं डरते, इतना बम से नहीं डरते जितना आपसे लोग डरते हैं अल्लाह की कसम, आपके प्रोग्राम में आने से पहले पता नहीं कितने वजीफे पढ़ के, दुआएं करवा के, मौकल से बात करवा के लोग आते हैं, मौकल से बात करी, देखो साथ चलना मेरे दर, नहीं आपके ना अल्लाह अल्लाह की तरफ से बहुत माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत है, और हम और आप एक फैमिली मेंबर की तरह एक ही जगह काम करते हैं, तो जो मेरी इज्जत है, जो आपकी इज्जत है, हम सब एक उसके हिस्सेदार हैं, कोई भी ज़्यादा कोई कम नहीं है, हर आदमी है, और हर आदमी अपने फील्ड में बेहतरीन काम कर रहा है, आपने अपने फील्ड में बेहतरीन काम किया,
आपके ख्याल में आज का डायरेक्टर क्या गलती कर रहा है जिससे फिल्म इंडस्ट्री गायब हो गई, डिसअपीयर हो गई, खत्म हो गई उसकी परफॉर्मेंस? डायरेक्टर आज है कहाँ? ना डायरेक्टर कहाँ, इसका पता करो, फोन मिला भाई। आज ना कोई डायरेक्टर है वहाँ, ना प्रोड्यूसर है, ना राइटर है। जो लोग अच्छे अच्छे लोग थे वो इंडस्ट्री को छोड़ गए, और कुछ लोगों ने ये प्राइवेट चैनल कर लिए, कुछ लोगों ने और बिजनेस, साइड बिजनेस कर लिए। जो बेचारे बाकी बच गए तो उनका हाल तो यही हुआ कि वो जैसे क्या कहेंगे, वो बीच में इंसान आके बहुत सारे लोगों में, बेवकूफ़ों में अगर एक दो समझदार लोग भी आ गए तो उन पर भी खरबूजा दे के खरबूजे को रंग पकड़ता है। और उमर भाई बात ये है कि इंडस्ट्री ने तो जो गलतियाँ की, अच्छे टेक्नीशियन, मतलब एक टेक्नीशियन बहुत अच्छे थे, सारा कुछ था, लेकिन जो जो तरक्की दुनिया ने की उस हिसाब से हमारे यहाँ वो हमारी इंडस्ट्री ने नहीं की। इंडस्ट्री बड़े पते की बात की आप। और आप देखें कैमरे वहाँ आज तक स्वरण लत्ता के वेले के कैमरे हैं। एक दिन स्वरण लत्ता मुझे मिली, कहने की तू हर वक्त यही कहती है कि प्लेबैक जो बज रहा है ये स्वरण लत्ते के वेले का, मैं इतनी पुरानी हूँ तुम मेरा, यानी स्वरण लत्ता के वेले के पार्टीशन से पहले के वो कैमरे चल रहे हैं। 35mm को सिनेमास्कोप में बदल दिया, वहां से बेलो उठा के ले आए क्या, और पता नहीं क्या जोड़ के कैमरों के साथ भी चीटिंग कर दी। चीटिंग और लाइटें देखें कि दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली, एक एक लाख रुपए की लाइट आ गई, और स्टूडियो में अभी भी वो हजार रुपए की लाइट बनाता है ना, बात तरखान बैठा होता है वो हजार हजार रुपए की, वो 100 रुपए की बीम लगा के तो उससे शूटिंग हो रही है। सही बात। और उसके अलावा आपका जो मतलब है यानी कि इक्विपमेंट नहीं है, लाइटिंग जी, लैब हमारी, ये सारी चीजें, साउंड, मैं कहती हूँ। और हकूमत का, जैसे आपको कल्चर मिनिस्टर बना दिया जाए जिनका एक्सपीरियंस है जी, आपको बना दिया जाए, मेरे को अपने मुंह या मिठू नहीं बन रही, मुझे इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक है, जिनको पता हो कि ये इंडस्ट्री वो गुजरा हो उससे, उसको बना दिया। सबसे बड़ा कसूर तो यही है ना कि कल्चर मिनिस्टर उसको बना दिया जाता है जिसने किसी मदरसे से एमए इस्लामियात किया होता है, उसको कल्चर मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो कल्चर की मिनिस्ट्री ये हाल है। और ऊपर से आप ये देखें कि हमारी फिल्में उतनी ना बाहर जा रही हैं, उतनी एक्सपोर्ट नहीं हो रही हमारी जितनी इम्पोर्ट हो रही। इंडिया की फिल्में खोल दी, वो जो हमारी हुकूमत की तरफ से हुआ ना, फिर हमारे चेयरमैन साहबान जो हैं सेंसर बोर्ड के जो आते हैं वो सोने पर सुहागा होते हैं उनका। सोने पे सुहागा पे मुझे याद आया जी कि सोने पे सुहागा क्यों ना सामने और आमने हो। आपकी सारी बातें जो है ना हमारे उनके सामने होने चाहिए। ये कौन जो, जो जो सोने पे सुहागा है, ये हमारे सोने पे सुहागा है। दाढ़ी वाले कोई कल्चर मिनिस्टर तो नहीं बुला रहा? नहीं नहीं, नहीं कल्चर मिनिस्टर नहीं बुला रहा, लेकिन कल्चर मिनिस्ट्री से मुतालिका एक शख्स को बुला रहा हूँ, कल्चर से मुतालिक कि हमारे एक लोग हैं उनको हम बुलाना चाहते हैं, लेकिन जरा सा मुझे उठना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह, जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आई एम सॉरी, मैं आई वॉज बिजी। और डांस में मैं क्रेजी टाइप का हो जाता हूँ, मेरा क्रेज जो है ना वो एकदम मुझ में बेदार हो जाता है, दीवान की छा जाती है। म्यूजिक मेरी कमजोरी है और यही मेरी सेहत का राज है। और दिनों हजरात, अब हम चलते हैं उस तरफ जहाँ हम मेहमान अपने यहाँ छोड़ के गए थे, अमानतन वापस आए तो रखी यहीं पर मिली हमें, और मोहतरमा मुसर शाहीन, क्योंकि वो डायरेक्टर, राइटर, एक्ट्रेस के अलावा प्रोड्यूसर, उसके अलावा एक सोशल वर्कर, और फिर एक पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिकल, एक एनजीओ भी है, और एक पॉलिटिकल उनका फेस भी अब सामने आया है। तहरीक मसावात की चेयरमैन भी हैं, यहाँ तशरीफ़ फरमाए। बहुत सारे मसाइल पे गुफ्तगू होगी, इसलिए हमने बड़ा शॉर्ट ब्रेक लिया, लेकिन अब जिस हम दूसरे मेहमान को बुलाने लगे हैं वो मेहमान हमारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरह से वो हमारी ज़िंदगी में शामिल है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, कि वो सेंसर बोर्ड का, जो पाकिस्तान का सेंसर बोर्ड है उसके चेयरमैन हैं, और ये तमाम फिल्में जो आती हैं वो वहीं से सेंसर होकर के हमारे सिनेमा हाउसेस में पहुंचती हैं, आपके घरों तक पहुंचती हैं,
आप लोग देखते हैं क्या असरात उन फिल्मों के हम पर पड़ रहे हैं, और आप को तकरीबन ये 2008 में आई थिंक ये आए थे, और आज 2011 है और तकरीबन तीसरा साल है उन्हें आए हुए। 3 साल में फिल्म इंडस्ट्री में क्या इम्प्रूवमेंट आया, सेंसर ने क्या कुछ कारकर्दगी दिखाई, ये सारे सवालात यकजा होकर के हम उनसे पूछेंगे। हमारे अब दूसरे मेहमान हैं सेंसर बोर्ड के चेयरमैन जनाब शाहनवाज लोन, ये वैसे बैरिस्टर हैं और आज हमारे मेहमान हैं जनाब शाहनवाज लोन, सेंसर बोर्ड चेयरमैन ऑफ सेंसर बोर्ड पाकिस्तान। सर मैं आपको शरीफ शो में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और एज ए सेंसर के चेयरमैन बोर्ड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे कपड़े तो ठीक है ना? सेंसर की इज्जत में तो नहीं आ रहे किसी नहीं, तरीके से? ये जो लड़कियाँ आपको लेकर आई ये सेंसर तो नहीं है? स्लीवलेस पहनी हुई थी। नहीं ठीक है, कोई नहीं ठीक है, इसका मतलब है स्लीवलेस तक आप ब्रॉड माइंडेड हैं, स्लीवलेस को माइंड नहीं करते आप? No, it depend on the circumstances. Oh, and the ये तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। Yes, exactly. इस वक्त सिचुएशन ठीक है। जी ठीक है। गर्मी भी बहुत है। हाँ। तो औरतों को चाहिए अपने बाजू नोच के फेंक दे। अच्छा माशाल्लाह आप 2007 में आठ में आप सेंसर बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हुए। जी। आप क्या समझते हैं 2008 से लेकर के 2011 तक सर फिल्म इंडस्ट्री में आपके आने से क्या हुआ? इसमें उमर साहब सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने यहां पे दावत दी, बुलाया हमें। ये हमारे लिए ऑनर है सर, आप तशरीफ़ लाए। यकीन कीजिए मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप तशरीफ़ लाएँ, ये मेरी ख्वाहिश भी आप आए। थैंक यू वेरी मच एंड इट्स माय ऑनर एंड प्रिविलेज दैट यू इनवाइटेड मी एंड आई एम आल्सो थैंकफुल टू द जियो टीम एज वेल। और इसमें मैं आपको बताऊँ कि जब से मैंने चार्ज लिया तो फिल्म इंडस्ट्री जो थी, जैसे आप बेहतर जानते हैं कि डाउनफॉल का शिकार थी, बिल्कुल ये इग्नोर्ड इंडस्ट्री थी, और बिल्कुल यहाँ पे जो हालात थे पिछले 15 साल से डाउनफॉल, बिल्कुल एज ऑफ डेथ था, बिल्कुल सब चीज़ें ख़त्म हो। जी बिल्कुल। तो जब आपने देखा ये एज ऑफ डेथ पर है इंडस्ट्री, तो आपने कहा नहीं भाई मुझे किस लिए बना रहा, जो फिल्में नहीं होंगी मैं सेंसर क्या करूँगा? इसमें मैंने जब ये मुझे टास्क दी गई और मुझे खुशी भी हुई और एक काम करने का मौका मिला, और ये सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए कि एक जो डाउनफॉल का शिकार चीज़ हो उसको वहाँ से निकालना, निकाल के उसको एक अच्छी बेहतर पोजीशन पे लाए। Exactly. उसके लिए आपने क्या किया सर? उसके लिए जी सबसे पहले तो मैं बिलीव करता हूँ टीम वर्क पे। Yes. उसमें सबसे पहले मैंने ये किया कि जो हमारी जो फिल्म एसोसिएशंस हैं, लाइक फिल्म फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, फिर यूनाइटेड फिल्म एसोसिएशन है, फिर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, जी हाँ सारी एसोसिएशन है, उन सबका मैं भी मेंबर हूं। जी इन सब से मैंने मुलाकात की इनके पास जाके, और सबसे पहले मैंने इनसे प्रपोजल्स मांगे कि डाउनफॉल की क्या वजूहत थी। तो आपको पता नहीं था डाउनफॉल की वजूहत क्या है, लेकिन आप सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बन गए। मुझे बिल्कुल पता थी लेकिन मुझे इतने डेप्थ में नहीं पता थी चीज़ों का। उनको क्या आपने मौसम का हाल पूछने के लिए बुलाया था? उनको क्या पूछना था कि स्टूडियो में क्या है? देखिए जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ये आपकी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि ये कल्चर मिनिस्ट्री के सवाल आते हैं जो हम आपसे कर रहे हैं, और आप क्लियरफाई कर रहे हैं, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। बिल्कुल सर। तो अब जो फिल्में बन रही हैं शाहनवाज भाई, जो आपने पिछले 3 साल में पिक्चरें आपके पास से निकली हैं, कौन कौन सी निकली हैं, उनके नाम बताएंगे? मैंने भी बोल फिल्म सेंसर की थी शोएब मंसूर साहब की, बोल फिल्म, और बिल्कुल मैं कहता हूँ बहुत फैंटास्टिक पीस ऑफ वर्क था उसमें, और शोएब मंसूर साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बहुत टैलेंटेड और बड़े कॉम्पिटेंट प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, और उनकी फिल्म जब आई मैंने उनके साथ बैठ के देखी, जब हमारे पास वो सेंसर बोर्ड तशरीफ़ लाए, बड़ी डिफरेंट किस्म की मूवी थी और बड़ी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म थी बड़ी। एक एलिगेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑन एयर या आप चला भी आपको मालूम भी होगा, सुधीर भट्ट साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे, मैंने उनको बहुत पकड़ा कि भाई आप ऐसे करते हो वैसे करते हो, आपने ये गाना बनाया वो बनाया, उन्होंने कहा भाई मैं क्या करूँ, मैं बना लेना, मैं उन्हें छोड़ दे क्यों, उन्हें छटता कौन है आपको, बोलो सेंसर बोर्ड वाले छोड़ते हैं गाने सारे, और पहला फिक्स है पैसे, इतने पैसे लेते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल, फिल्म का पेंट प्रिंट जाए या ना जाए और फिल्म आ जाती है, बिल्कुल आ जाए। मैं बिल्कुल उनसे ये सारे के एलिगेशन है। सुधीर भट्ट साहब जो है वो प्रोड्यूसर है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और उनकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि माजी में जब मैं आया तो यू नो
कि यहाँ पे जब मैं जब ज्वाइन किया तो मेरे पास हमने उस वक्त जब मैं आया तो मेरी डाक में पहले हफ्ते की जो थी उसमें मोर देन 100 कंप्लेंट्स थी इसकी रिश्वत की और गानों के पास होने की। और मैंने फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फिल्म सेंसर बोर्ड हमने कंप्लेंट एंड इंक्वायरी सेल मुतारफ़ करवाया जो कि फर्स्ट टाइम बना। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैं आपके फेवर की बात कर रहा हूँ, मैं सूदी भट्ट से मैं ये सवाल उस वक्त करना मैंने उससे क्योंकि मेरे मेहमान थे मैं, मगर मैं अब उनको एक बात का रिमाइंडर कराना चाह रहा हूँ आपकी मौजूदगी में कि सूदी भट्ट साहब आप लोग ऐसे गाने बनाते ही क्यों हैं कि आपको रिश्वत देनी पड़े? सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि ये क्यों लेते हैं सेंसर बोर्ड का डिपार्टमेंट के नीचे के अफसरान पैसा, अमला पैसे क्यों लेता है? सूदी भट्ट साहब ने ये बड़ा अच्छा इशू रेज किया और मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन के कि उन्होंने इसमें क्रिटिसाइज़ किया और भी कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहबान को शिकायत रही हैं इस सिलसिले में। जैसे मैंने कंप्लेंट एंड इंक्वायरी सेल की बात की, हमने एक वो सेल बनाया उसमें हमने ओपन ऑफर की सब प्रोड्यूसर्स को, सब लोग आके शिकायत लिखवाएं, शिकायत लिखवाएं आके, और शिकायत लिखवाने के बाद हमने उसके यानी कि हमने एक्शन लिया उन फिल्मों में। और जैसे कि पिछले माजी में ऐसी बिल्कुल बात हुई है, मैं उनसे एग्री करता हूँ 100%। लेट्स सपोज एक फिल्म जाती है सिनेमा में लगती है, लेट्स सपोज इन मुल्तान, एक मिसाल देता हूँ, या हैदराबाद में, अब उसमें यह है कि अब हमारे पास जब सेंसर बोर्ड में प्रिंट आता है तो एक प्रिंट होता है वो, और फिल्म रिलीज होती है 16-17 प्रिंट के साथ। अब हमारा उसमें से अगर कहीं चला जाए, पास ऑन हो जाए गाने, और ये मैं एक बात बताऊँ तो उसमें डायरेक्टर मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि ये गाने जो चल जाते हैं वो आपकी तरफ से तो कट गए, अब ये कहीं और लगाकर चला दिए? बिल्कुल एग्जैक्टली 100% ये बिल्कुल इसी तरह होता है। और इसमें हमारे आपका जवाब ये है कि ये गाने आपकी बगैर इजाजत कटने के बावजूद उस पर चलते हैं सिनेमा हाउसेज में? बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं, जब हमने हमारे पास जब कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हमारे पास आई, उसके बाद हमने ये किया कि हमने अपने मेंबर्स के साथ और अपने फिल्म इंस्पेक्टर्स की जॉब बनती कि वो जाके सिनेमा हाउसेज में जाके चेक करें कि जो हमने पास गाना नहीं किया तो कैसे वहाँ तक पहुँचा और कैसे वो चला वहाँ पे और क्यों चला और कैसे चला। और आप ये भी कहते होंगे लाके दिखाओ मुझे कौन सा चला है। मैं आपको करता देखते हैं वो गाना उसमें मैंने मैं आपको एक बात आप देखते हैं वो गाना जी मैंने बिल्कुल देखे गाने वो और उसमें ये मैं आपको बात बताना पब्लिक के साथ ना इंसाफी मैंने आपको आपको सीडी भिजवा जो मेंबर काटता है ना गाना इस किस्म का गाना यसीन वो उसको बार बार चलवा के देखता है बार बार चलवा के देखता है। अच्छा अब एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आखिर हम लोग कहाँ तक हमारा आप समझते हैं, अव्वल तो फिल्में नहीं बन रही मेरे हिसाब से तो सेंसर बोर्ड अब होने नहीं चाहिए, 3 फिल्मों के लिए इतना बड़ा इदारा क्यों रखा हुआ है? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सूबों के अलग बनाए जा रहे हैं, अब बलूचिस्तान में कौन सी फिल्में बन रही है वहां के लिए सेंसर बोर्ड अलग बन गया है। मुझे एक सवाल करना है आपसे, आपने जो बात की कि फिल्में कम बन रही है, फिल्में जो है हमारे पास जैसे मैंने इंडियन फिल्म का कहा इंडियन फिल्में हमारे पास बहुत ज्यादा आ रही है, हमारी तो नहीं है ना। नहीं मुझे एक बात कंप्लीट करने दीजिए, ये जब उसमें प्रॉब्लम ये था कि आपको पता है कि वी यूज टू हैव मोर देन 800 सिनेमा हाउसेज इन पाकिस्तान, 800 सिनेमाज थे जो कम होते 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 150 रह गए और 150 में से जो ऑपरेशनल सिनेमाज हैं वो ओनली 62 या 63 सिनेमाज हैं। सर मैं उसका जवाब देता हूं, आप उसका जवाब इंडियन फिल्म जो है ये बिल्डिंग प्लाजा बनाने वालों ने सिनेमा हाउसेस के प्लाट लेकर के उनको डिमोलिश किया और मैंने उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी अपने प्रोग्राम्स में, आज भी कर रहा हूँ कि भाई हर बिल्डिंग गिराने सिनेमा गिराने वाले को पाबंद किया जाए कि वो अपने बिल्डिंग के अंदर एक सिनेमा जरूर बनाएगा वरना सिनेमा की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। पाबंद किया था लेकिन किसी ने नहीं बनाया, हमें बना के बना दिया जी, मगर होना चाहिए था सिनेमा। देखिए आज आपके पास जो सिनेमा है उनकी जो रिक्वायरमेंट है सिनेमा की उस फिल्म की उसमें साउंड सिस्टम वो वाला होना चाहिए जिसपे वो फिल्म बनी हुई है, उसमें लेंस में होने चाहिए, उसमें मशीन वो होनी चाहिए जिसपे वो फिल्म बनी हुई है। हमारे पुराने सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर पे इससे साउंड सिस्टम पे वो फिल्म चल ही नहीं सकती है। उसकी तैयारियां क्या हुई कि वो से सिनेमा बने, अब ये बन गए हैं हमारे पास हैं, अब आपके पास ज़्यादा फिल्में आप बकौल आपके इंडियन मूवीज आप ज़्यादा सेंसर कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी बन नहीं है, इंडियंस है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, मैं उसी पे सवाल पे आ रहा हूं जी। सवाल ये है कि ये भी इत्तला मिली है मुझे, मुझसे लोग बातें करते हैं, मैं क्योंकि लोग शायद मुझे ये समझते शायद क्या उनका अपना ख्याल है कि मैं उनका आदमी हूँ, बीच में आवाम से मेरा ज़्यादा ताल्लुक रहता है। लोग कहते हैं कि जनाब ये जो इंडियन मूवीज़ हैं जबकि ऐलान हो चुका है कि हर सूबे की जो फिल्म है वो उसके सूबे में सेंसर होगी, तो सिंध की फिल्में सिंध में सेंसर क्यों नहीं हो रही? सही। जब एक मिनट में फिर सर ओके कि एक फिल्म बॉम्बे से चलती है दुबई आती है, दुबई से कराची आती है,
कराची से डायरेक्ट डिफेंस के सिनेमा में लग जाती है और उसका सेंसर सर्टिफिकेट जो है वो फैक्स के ऊपर या ईमेल कर दिया जाता है। क्या बात है, ये ट्रू है या नहीं ये बता। बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, बिल्कुल फॉल्स, बिल्कुल ये गलत इतला है। मैं जैसे पहले एक बात पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, जो इंडियन फिल्में आती हैं उसकी परमिशन डायरेक्ट हम नहीं देते, वो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से इन्वॉल्व होती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में पहले वो NOC जारी करती है, फिर फॉर द कस्टम अथॉरिटीज, कस्टम अथॉरिटीज़ के पास जाती है, फिर वो उसको फिल्म प्रिंट को रिलीज़ करते हैं। हमारे पास तो बिल्कुल एंड में आती है। इसमें जो मेजर रोल है इंडियन फिल्मों का वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास है, नंबर वन, और उसके बाद हमारे पास वो आती है इन द एंड। हम उसको परमिशन नहीं देते, NOC मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देती है। और इसमें जो दूसरी बात ये है इसमें कि इसमें जो सेंसरशिप जो हमारे कोड हैं और जो उसमें चीज़ें, उसमें कहीं पे इंडियन फिल्मों को बैन करने का वर्ड नहीं यूज़ किया गया, उसमें अलाउड है इंडियन फिल्में एज मच एज दे कैन कम। और जहाँ तक सेंसर बोर्ड क्या कहता है, इंडियन का सेंसर बोर्ड जो है वो ये कहता है कि पाकिस्तानी फिल्में अलाउ हैं, बिल्कुल अलाउ हैं, हम लगा सकते हैं, बिल्कुल वहाँ पे लगा सकते हैं, मेरी फिल्म बिल्कुल मैं लगवा सकता हूँ, प्रॉमिस भी है, प्रॉमिस बिल्कुल, आप मेरी पिक्चर वहाँ लगवाएंगे, बिल्कुल लगवा दूंगा, लगवा देंगे। बहुत नजर आती है तो बहुत बड़ी बात कर दी हमारे शाहनवाज लोन साहब ने, बहुत बड़ी बात कर दी। मुझे बताइए क्या आप ऐसी कोई पैकेज बना सकते हैं, आपके इख्तियार में है कि आप खुद अरेंज करें कि यार आप लोग मुझे फिल्में दें, मैं आपका वहाँ फेस्टिवल अरेंज करता हूँ थ्रू पाकिस्तान सेंसर बोर्ड एंड कल्चर मिनिस्ट्री, ताकि हम लोग भी तो वहाँ जाकर के अपनी कोई फिल्में दिखा सके। यार हम लोग कब कब आएंगे, हम माधुरी की करीना की नजरों में कब आएंगे, कब हमें वो औरतें देखेंगी, क्या होगा। देखिए हर चीज़ को करने के लिए ना, मुसरत मैं आपको बताऊँ, आप मेरी बहन भी हो और मेरी सीनियर भी हो, सब कुछ हो, ये बताओ आप कि क्या बगैर पैसे के किसी फंड्स के को काम हो सकता है। नहीं तो यही तो हम कहते हैं कि हुकूमत सुतेली माँ का सलूक करी है इंडस्ट्री के साथ, इन्हें कोई फंड्स मिले, इतना अच्छा बंदा उन्हें मिल गया। देखिए बंदा तो अच्छा मिल गया, वो सेंसर में दिलचस्पी भी ले रहा है, और मेरा ख्याल है उन्होंने जितनी बातें अपनी बताई कि मैंने ये किया वो किया, वो सारी सही बातें हैं, काबिल सताइश है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि एक कल्चर मिनिस्ट्री, देखिए जब कोई चीज़ डूबती है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, बिजली का प्रॉब्लम आता है, हुकूमत बिजली वालों को कुछ देती है कि यार ये आप ले लो, चलो काम तो चलाओ, फला ये फला इंडस्ट्री डूबती है उसको पेमेंट करती है, चलो तुम ये पैसे लो, स्टेट बैंक से खुद गवर्नमेंट कर्जा लेकर के अपना काम चलाती है, तो व्हाई नॉट इंडस्ट्री, क्यों नहीं इंडस्ट्री के हुकूमत जो है कर्जे दे, इंडस्ट्री को उठाए, खुद दो चार फिल्में शुरू करवाए, यार को ऑथोराइज करें ताकि इनको फंड्स दें, ताकि मतलब एंटरटेनमेंट अगर होगी, फ्रस्ट्रेशन खत्म होगी तो हुकूमत को ही फायदा होगा ना, बिल्कुल होगा, लोग सुकून से होंगे, आप क्या करेंगे इसके ऊपर। जी मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ जो मुसर्रत ने बात की, उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि पहले तो आप उसको फिल्म इंडस्ट्री क्यों कह रहे हैं, ये आज से 6 माह पहले तक फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी, फिल्म इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं दिया गया इसको, आप फिल्म आज अब दे दिया गया, हुकूमत ने दिया सर, हुकूमत ने दिया तो अभी तक पीर आफताब, एक मिनट सुनिए, आपने हुकूमत ने दे दिया, मैं मानता हूँ हुकूमत, थैंक यू, दोनों हाथों से हुकूमत को सलाम, इंडस्ट्री बना दिया। इंडस्ट्री जब कोई चीज बनती है तो उसका एक रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के रूल्स रेगुलेशन क्या है, क्या लॉ है, उसको हमें बताया जाए ताकि हम उस लॉ के तहत चलें, उसके अंडर रहें, कोई वायलेशन ना करें, हमें अपनी फैसिलिटीज का पता हो, लिमिटेशन का पता होना चाहिए। इंडस्ट्री के अंदर जो लोग 2-2.5 करोड़ रुपया लगाते हैं, अगर 1 करोड़ लगाएं तो 1,50,00,000 हुकूमत दे, वो जो लोग हुकूमत में बैठ के अरबों रुपए के कर्जे माफ करवाते हैं, यार ये लोग जो आवाम को खुश करते हैं, आवाम में खुशियां बांटते हैं, इनको अगर कर्जा इस बुनियाद पे दिया जाए कि भाई आप कर्जा लें, आपका प्रिंट रिलीज पे नहीं जाएगा, हमारा रिकवरी ऑफिसर सिनेमा हाउस में बैठेंगे, आपसे पैसे रिकवर करेंगे, प्रॉफिट आप लें, हम अपना असर लेके हट जाएंगे, तो मेरा ख्याल है ये कोई गलत बात है। अभी एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ जनाब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब से, सर प्लीज 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 आप इंडस्ट्री की तरफ जरा से 10 मिनट दीजिए, ये इंडस्ट्री के लोग हैं, आप इनके लिए कुछ कीजिए प्लीज़, आप एक अच्छे इंसान हैं, जितना मैंने आपको टीवी पे देखा है मुझे आप में नज़र आता है कि आप हमदर्द हैं, प्लीज़
इंडस्ट्री के लोग बहुत मुस्तैक हैं इस वक्त, इंडस्ट्री डूब चुकी है, हमें दूसरे मुल्कों से फिल्में लेकर के चलानी पड़ रही हैं, जो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। प्लीज़, और मैं सदर पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करता हूँ, प्लीज़ सर आप इस पर ज़रा सी तवज्जो दें। हम मानते हैं कि आपके बहुत मसाइल हैं, आप पूरी दुनिया के प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं बैठ करके, आपको अल्लाह उसकी हिम्मत अता फरमाए और थोड़े से 5 मिनट आप इंडस्ट्री को दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये रिक्वेस्ट करें। इस पे जब उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी इतनी मसरूफियात के बावजूद उन्होंने इम्पोर्टेंस दी और उन्होंने खुद कहा कि आप लोग डेलीगेशन लेके आए मेरे पास, जो आके मेरे से डिस्कस करें डायरेक्टली। उस पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी, ये तो छोटे सतह की बात है ना, सेक्रेटरी लेवल की या मिनिस्टर लेवल, तो आगे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया वहाँ पे और उन्होंने खुद मसाइल सुने अपने चैम्बर में, नेशनल असेंबली चैम्बर में उन्होंने बुलाया। मैं भी कौन कौन गया था उसमें, मैडम संगीता की क्यादत में वफद आया था फिल्म इंडस्ट्री का। ये कब हुई थी मीटिंग? कितना समय? 5-6 माह पहले हुई थी मीटिंग। कुछ हुआ 5-6 महीने जी? उसके बाद मैं आज करता हूँ, उसके बाद जो था पीएम साहब ने प्रॉब्लम सुनी, इन लोगों ने कहा कि हमें इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, वो उसके बाद उन्होंने लेबोरेटरी के लिए कहा, जो लेबोरेटरी के लिए उन्होंने PC1 तैयार करवाया और उन्होंने फंड अप्रूव किए, इसमें जो कॉस्ट आ रही थी 15-20 करोड़ रुपये तक की लागत से वो बन रही है लेबोरेटरी, आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग इन द फिगर्स बट इसी उसमें इसकी भी अप्रूवल दी और पीएम साहब ने फौरी हदायत जारी की देन सेक्रेटरी कल्चर को मोइनुल इस्लाम बुखारी साहब को, उन्होंने कहा कि ये आप इस पर वर्कआउट करें और हमें इम्प्लीमेंट करके दें इसको, यानी खाली उन्होंने जुबानी नहीं कहा कि उसको कि बना दें या कोई ऐसे टाल मटोल वाला काम नहीं किया, बना के दें। उसके लिए काम जारी है, उसमें बड़े जोरों शोर से जारी है और जो बड़ा दरीना मुतालबा था जो अभी पूरा होने लगा है। इसके अलावा इन्होंने कहा जी हमें एक फिल्म अकेडमी के लिए जगह दी जाए, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयरमैन CDA जो है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको अथॉरिटेटिव डायरेक्शन इशू की कि आप इनको जगह दें 15-20 करोड़ जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है जगह दें उसमें, वो भी इंशाल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में वो भी काम हो जाएगा। शाहनवाज साहब आप इसको कंडीशनल क्यों नहीं कर देते सिनेमा लाउड में, बाकायदा इसको अमेंडमेंट करें। अभी हमने कहा जी अगर पाकिस्तानी पिक्चर इन क्यू होगी तो प्रेफर जो है ना पाकिस्तानी फिल्म को दी जाएगी और उसके बाद अगर सिनेमा खाली होगा तो इंडियन मूवी लगेगी। कर दिया हमने, रूल बन गया, ये बन गया। मैं आपको एग्जांपल दे रही, लास्ट जो ईद थी, देखिए फिल्में या छोटी ईद पे आती हैं या बड़ी ईद पे आती हैं, इस तरह के कोई ओकेजन पे आती हैं, लास्ट टाइम बड़ी ईद पे 3 हमारे पास इंडियन फिल्म आई थी और बहुत बड़ी फिल्म आई थी। इंडियन फिल्म जो इम्पोर्ट करता है उसकी प्राइस जो है वो $70,000 से शुरू होती है और जाती है $4-5 लाख तक, और वो 3 बड़ी सुपर हिट फिल्में आई थी, 3 इंडियन फिल्म आई थी और हमने ये बात कंफर्म की थी, हमने उस इंपोर्टर हजरात से माजरत की थी, हमने कहा उन्होंने बड़ा हम पे इन्फ्लुएंस यूज़ किया और बड़े हमें ऑफर्स किया, बड़ा हमने उन्होंने कहा कि आप हमारी फिल्मों को लगने, हमें कहा नहीं हमारी जो पाकिस्तानी फिल्में हैं जैसे भी हैं भले हम अपनी पाकिस्तानी फिल्मों को जगह देंगे, और हमने इंडियन प्रोड्यूसर्स को इंडियन इंपोर्टर्स को ना कर दिया और वो फिल्में नहीं लगी, बात ऑन द रिकॉर्ड है ये। और उसके बाद से उसके अभी बड़ी इतने पीछे देख रहे हैं सिर्फ हमारी पंजाबी और पश्तो फिल्में चली जो भी बनी थी और इंडियन हम फिल्म हमने रोक दी थी और उनसे उन इंपोर्टर्स को बहुत बड़ा लॉस हुआ क्योंकि वहाँ से वो लेके आ गए और यहाँ पे लगी नहीं है। अब जब फिल्म पूरी दुनिया में एक दिन रिलीज होती है, इंडियन फिल्म रिलीज होती है, अब उन्होंने 3 महीने बाद वो लगाई तो वो जारी बात उसने जीरो बिजनेस किया। देखिए मैं तो इंडियन मूवीज को इस तरह लेता हूँ कि अगर एक इंडियन मूवी बाकायदा प्रोसेस तय करके आती है, एक कानून के तहत आती है, तो वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देती है। वो उससे बेहतर है जो DVD बन के स्मगलिंग होकर के आ जाए और बगैर उसके चले, मैं समझता हूँ ये उससे बेहतर है, शक्ल उससे बेहतर है। आई अप्रिशिएट कि भाई ऐसा हो, लेकिन मैं इसके साथ मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं जिनको मैं अपनी मजबूरियाँ कहता हूँ। शाहनवाज भाई आप तो शायद ऐसे काम ना करें, लेकिन जो काम मैं करने जा रहा हूँ ना वो आप सेंसर बोर्ड के चेयरमैन होने के बावजूद नहीं कर सकते। आप चलते हुए प्रोग्राम में ब्रेक ले सकते हैं, आप मुस्कुरा सकते हैं, ले नहीं सकते। ये काम मुझे करना पड़ेगा क्योंकि इसके दौरान में हम चाय भी पी सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं, और उसके बाद हम जो बात करेंगे वो सारी बातें एंटरटेनमेंट की होंगी, नो पॉलिटिकल टॉक। ओके सर, वो उसको यहीं स्टॉप करना पड़ेगा, जरा मैं इनसे बात करूं। We'll be right back.
चरण साहब आपकी शादी हो गई? जी हो गई। लव मैरिज और या अरेंज मैरिज क्या हुआ? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। अरेंज। इंग्लैंड में रहते हैं आप और अरेंज मैरिज? ये पाकिस्तान में रहता हूँ। इंग्लैंड में तो एज ए स्टूडेंट में गया था। एज ए स्टूडेंट गए थे? ओके। कहाँ रहते हैं पाकिस्तान में? मैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद, वो भी काफ़ी हमारी मॉडर्न सिटी है। जी हाँ। तो अरेंज हुई आपकी? जी, अरेंज। आपके मतलब वो रिलेटिव्स हैं? नहीं। या भाभी से कहीं मुलाकात हुई थी किसी तकरीब में? अरेंज बाय माय फादर, प्योरली अरेंज बाय माय फादर। अच्छा। और उन्होंने करवाई और आई एम हैप्पी विद इट। अरेंज के बाद लव हुआ? जी, अरेंज के बाद लव। शादी के बाद लव हुआ? यस। ज्यादा अच्छा होता है वैसे वो जो शादी के बाद लव होता है। बहुत अच्छा होता है वो। अच्छा होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि लव मैरिज होती है, शादी के बाद नफरत हो जाती है। अच्छा, अचानक चले वो तो शादी मोहब्बत आपका अपना पर्सनल बात है। ये बताइए मुझे, किस हीरोइन का गाना काटते हुए दिल दुखता है? बड़ा सेंसिटिव सवाल है, साइंसी सवाल है। अपनी जो कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसे आप देख रहे हैं दिल नहीं कर रहा है कि इसका कोई एक्शन कटे? ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं हुआ। मैं अपने पेशे के साथ, अपने शोबे के साथ बहुत मुखलस हूँ और मुझे इसी पे फ़ख्र है। उसमें जो है हम बिल्कुल मेरिट पे, और उसमें किसी का भी गाना हो आप काट देते हैं? बिल्कुल काट देते हैं, चाहे संगीता बाजी का क्यों ना हो। बिल्कुल हो, क्यों ना, उनकी देखें। मैं आई रिस्पेक्ट है हमारे साथ, क्योंकि सुदीप भट्ट ने यहाँ हमारे प्रोग्राम में कहा था बारिश के गानों की जो साइंसदान है, जो ईजाद किया है, वो संगीता बाजी ने किए गाने। मैंने संगीता को उन्होंने ईजाद किए और ना ही उन्होंने, वो तो हमारे पास हर मीटिंग में हमारे पास आई हैं हमारी। नहीं नहीं, उन्होंने कहा सुदीप भट्ट ने यार, उन्होंने कहा तो वो उन्होंने की अपनी राय हो सकती है, लेकिन हमारे पास जब वो आई है मीटिंग में उन्होंने कंडेम किया इस चीज को। मैंने भी संगीता बाजी की फिल्में किया, मेरे पे तो उन्होंने कोई बारिश का गाना नहीं किया। नहीं, उन्होंने, लेकिन जी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पे क्यों नहीं किया बारिश आई है उन्होंने ये बताएं। मैडम संगीता की मैं एक बात करता चलूँ, उनकी मैं ज़ाती तौर पर बड़ी कदर करता हूँ, और जब हमारी मीटिंग्स पे आई उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया हमेशा। मेरे पे बारिश का गाना क्यों नहीं हुआ शाहनवाज भाई? एक आईना फिल्म में ऑर्डर कर दे, ऑर्डर कर दे, अगला फिल्म बनाएंगे उमर शरीफ पे। मैं फिल्म का नाम ही बारिश रख दूंगी, बारिश हीरो लेंगे। हाय हाय, मैं भीगा हुआ कितना प्यारा लगूंगा, सोने लगे, और मुझे निकर पहनवा दीजिएगा बस। निकर जाली वाला बनियान पीले रंग का, मेरे पास जस्ता बहुत है पीले रंग का। वो लगता बदन में आग लगी भी और बरनाल लगाई भी किसी ने। फिल्मों के नाम भी आप देखते होंगे कि ये क्या है? जी, फिल्मों के नाम बिल्कुल काफ़ी, जैसे मैंने अभी आपने जिक्र किया उसका लिरिक्स का जिक्र किया, इसके साथ साथ हमने फिल्मों के नाम के भी उसमें ये शर्त। अब जैसे फिल्मों के नाम एक ज़माने में आए, गुंडी रन, गुंडी रन, गुंडी रन, ये क्या नाम सर? अच्छा, एक फिल्म आई थी सर बिल्लो 302। वो इसलिए बनती है ये फिल्म, बहुत पहले आई थी। वैशी हसीना, वैशी हसीना, मिस क्लैशनकोफ, ये सारी फिल्में जो है 95 से पहले। रानो फटेबाज, रानो फटेबाज, हसीना एटम बम, और मेन रोल इन्होंने किया था आपके बराबर में। हसीना एटम बम, उधर सोचो एटम बम कदीर खान साहब ने बनाया, ये फिल्म इंडस्ट्री ने बनाया एटम बम हमारा। सर ऐसे नाम आप, ये सब जो ये अभी तक जितने आपने नाम लिए हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास, हमने इनमें से कोई किसी ने पास नहीं, वो भी रिलीज हुई है नरगिस। नहीं नहीं, ये पुरानी फिल्म, ये एप्लीकेशन हमारे पास पुरानी, 4 साल पुरानी एप्लीकेशन वहाँ पे मौजूद थी। उसमें एक और बात मैं बता चलूँ, हमारे पास जो सेंसरशिप, आप कैसे नाम लाना चाहते हैं? शरीफाना, ये हम चाहते हैं कि इसमें जो सेंसरशिप, इदरीस और उसका भाई, फिल्म का नाम सीधा रास्ता, रोजाना घर आया करो। ये तो बड़ी आपकी पसंद की बात होगी, मर्दों की। भाभी का अदब करो, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, उसमें ढूंढो हूरे भी होंगी। ऐसे नाम चाहते हैं आप? उमर जिंदाबाद, उमर जिंदाबाद, ये भी एक यार, ये यार क्या नवाज भाई, आपने फिर सियासी बात कर दी। नहीं, 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 आप बार बार हमें सियासत में खेल रहे हैं। मैं दामन छुड़ा चढ़ा के इधर जा रहा हूँ। उसका भाई हो सकता है तो ये भी अच्छा नाम है। हाँ, ये भी अच्छा बात हो सकती है, सही बात है। नहीं, नाम जरा थोड़े से तहजीब याफ्ता होने चाहिए, जैसे पहले नाम थे, तहजीब एक नाम था, फूल बरसाओ, बाहरों फूल बरसाओ, फूल बरसाओ। और एक फिर एक नाम पे भी मुझे ऑब्जेक्शन था पाकिस्तान फिल्म में, एक गुना और सही, जिसे कोई इजाजत मांग रही है कि सुनिए, एक गुना और सही।
ये भी मुझे सही नहीं लगा था नाम एक जमाने में, हालांकि ये आपके जमाने में आप तो बच्चे होंगे जब ये नाम आया था। सभी भाभी ने टाइटल रोल किया था, असल तारिक साहब की फिल्म थी, एक गुना और सही। लेकिन उस जमाने में शरीफाना माहौल था तो ये फिल्म नाम जो है ना बड़ा सेक्सी सा लगता होता था, बुरा सा लगता था, जैसे बड़ा एक गुना और सही, एक गुना और सही, ऐसा लगता है बड़ा शरीफ था। नाम से ऐसा लगता है एक गुना कर बैठे दूसरे गुना की इजाजत। एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं, जैसे नाम है ससुराल चलो भरोसा हो गया, कोई आपकी ससुराल नाम बड़े अच्छे थे, अब नाम रखना चाहिए हमें अपना एक हिसाब से, पाकिस्तानी के हिसाब से ससुराइली। एक तो ना इसराइली, एक होना चाहिए ससुराइली, एक फिल्म का नाम हो ससुराइली और टाइटल रोल हो सास का। मजा आ जाए ससुराइली का, मजा आ जाए। नाम जरा थोड़े से चैनल वाइज सॉफ्ट करवाइए जिस, देखिए ऐसा नाम होना चाहिए मजाक के अलावा, फीमेल ओरिएंटेड नाम होना चाहिए, फैमिलीज उस पर ऐसा नाम हो कि फैमिली को अट्रैक्ट करे, और फैमिलीज जाएंगी तो फिल्म कामयाब होगी। exactly. उसकी वजह कि औरतें अकेली जा नहीं सकती। okay. मियां शाम को मना, खबरदार फिल्म में गए अकेली तुम, जहीर के साथ लेके जाना, समझ गई, और जहीर की बीवी को ले, सुरैया को भी ले लेना, फलां को ले चले गए। अब वो क्या हुआ कि छह फैमिलियां मिलके जा रही। सही, बिल्कुल। अब वो, अब तो ये कि मैं टाइम सेट किया SMS पे, टिक 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 टिक, 3 बजे वहाँ घंटे बजे ट्रेन, साइलेंट पे रखा, अब्बा को भी नहीं पता, पढ़ा 3 बजे, अब मैं जा रही हूँ, यास्मीन के वालिद की बरसी है। मेरा अपना ख्याल है नाम बड़े बड़े फैमिली वाले। आजकल के मर्द भी यही चाहते हैं कि बीवी बच्चे फिल्म पे चले जाए तो मैं जरा जरूरी काम कर लूं, टेक्स्ट मैसेज वगैरह। कौन क्या मर्दों को क्या है? मर्दों को बहुत कुछ है। क्या आप कर रही है बात? ये दुनिया में सबसे मजलूम चीज मर्द है। इतने मजलूम है कि आज देख लें आप क्या हो रहा है पाकिस्तान। कुछ भी नहीं हो रहा, मर्द है सबसे ज्यादा मजलूम। चार चार शादियां, महंगाई इतनी है शादियों से नहीं रुक रहे। चलिए जो अब एक औरत भी उतना ही खा रही जितने चार खाएंगी। चार में तकसीम कर दो, ठीक है चार में तकसीम कर दें, वो कोई बुरी बात नहीं है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो दो करें चार करें। लेकिन वहां भी देखें, अभी हम लोगों ने एक केस पकड़ा कि एक बंदे ने, हाँ जी वो पकड़ना ही होता है NGO के हवाले से, कहीं से पता चला जुल्म हो रहा है एक बंदे के, हमारे पास उसकी बनाई है वीडियो भी, 7वीं शादी उसने की है और उसकी आप शक्ल देखें मरने वाला है, उसको चिमटे से पकड़ के बंदा देखे कि क्या हाल है तुमका है। और उसके घर में आप बिलीव करें कि इन बातों से इनका क्या ताल्लुक है? अब ये क्या बंदे भी उठा के देखे, सेंसर होने के काबिल है इनको? रोप दाप से रहना पड़ेगा। ये नाम जैसे सेंसर की हदूद में नहीं आते शादियां, सेंसर की हदूद में शादियां नहीं, ऐसी फिल्में सेंसर होने नहीं चाहिए जिसमें घर को खाने को नहीं है और दूसरी से इश्क लड़ाने निकला हुआ है, यानी कि घर के भांडे बेच कर और दूसरी महबूबा को मोबाइल खरीद के दे रहा है या घर किराए पर लेके दे रहा है या उसे फिल्म पे ले जा रहा है, तो ये नहीं, ये ऐसी फिल्में भी बने ना तो वो फिल्में भी इनको बंद कर देनी चाहिए। तो बंद कहाँ से करें? उन्होंने ये सोचा है ना कि मतलब ये क्या खुद पल्ले से बना के बंद कर दें फिल्म? पाकिस्तान में और क्या बन रहा है कि अगर फिल्में नहीं बन रही तो पाकिस्तान में और कुछ बन रहा है? क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत कुछ कर रहा है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बिल्कुल बेचारा लगा हुआ है, बिल्कुल जहाद कर रहा है। बल्कि मैं आपको भी गुजारिश करूंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आए, जरा सॉफ्ट एक वो है इसमें, इमेज है इसमें, काम करें आप, हम आपको ऑफर कर रहे हैं ओपन ऑफर। ठीक है, थैंक यू, मैं करूंगी, जरूर करूंगी, क्योंकि आप करें, आप बहुत अच्छा काम करने वाली हैं, आपको काम आता है बाकायदा। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल में आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग क्या ऐसे काम करें, बींग ए नेशन हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो इन तमाम क्राइसिस से, इस टेंशनों को हम कैसे रिलीव करें, सॉफ्ट कैसे बने, वो क्या होना चाहिए? फिल्मों से हम इसमें क्या कर सकते हैं वो आपसे पूछूंगा। एज ए पॉलिटिशियन जो आप एक NGO चला रही हैं, आप क्या रिलीफ वाला ऐसा काम कर रही हैं जिससे ये माशरती तनाव जो आ गया है इसको कैसे हम करेंगे? दो सवाल हैं, पहले आपसे करता हूँ, आप बताइए। सबसे पहले तो ये कि एंटी करप्शन इनकलाब की यहाँ ज़रूरत है, पूरी इकॉनमी करप्ट हो गई। अगर आप वो फ्रूट लेने जाएँ और उसको मुँह मांगी कीमत दें और एक एक फ्रूट गिन गिन के बैग में डालें, फिर भी घर जाके खोले तो आधा फ्रूट बीच में से खराब निकलेगा।
तो पूरी कौम जो है वो एक तो करप्शन हमें खत्म करनी होगी, मेहनत करनी होगी, यानी कि हर तराजू पे एक आदमी बिठाना होगा, फिर हर तराजू पे एक बंदा, हर तराजू पे नजर रखनी होगी। जी मैं चाह रहा हूँ कि सेल्फ सेंसर हम क्यों नहीं अपना जगाते, उसे क्यों नहीं ठीक करते। बिल्कुल सही, अगर बिल्कुल हम सही। सेल्फ सेंसर ठीक कर लें बिल्कुल, तो ना नजर रखने की जरूरत है ना डिपार्टमेंट बनाने की, ठीक कर मुझे पता होना चाहिए पूरा तोलना है, पूरा देना है, पूरा गिनना है, मुझे मिलावट, ये मेरा अपना यही सिस्टम खराब है, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल सही है जी, हमें अपने अपने सिस्टम को चेक करना, ये फिरका, ये फिरके जो बनाए हुए हैं, ये जो हम पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोची, शिया, सुन्नी, ये वो, इससे बनता हुजूम, हुजूम बनता, इससे कौम नहीं बनती, कौम बनती है एक हो जाने से। जी बिल्कुल, जिस दिन हम कौम बन गए हम नाकाबिले तस्खीर हैं, हमारे लोग इंशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, बड़े प्यारे। सर आप क्या कहेंगे इस मामले में कि क्या चीज हम अपनी माइनस करें तो हमारे मुल्क में तनाव खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं तो सर इसमें बारे में ये कहूँगा कि यूनिटी बहुत ज़रूरी है हमें आपस में, इत्तेहाद, इत्तेहाद बहुत सख्त ज़रूरी है कि हम जो है आपस में मोहब्बत से रहें और छोटी छोटी बातों पर नाराज ना हुआ करें, टॉलरेंस पैदा करें अपने अंदर, जो टॉलरेंस बहुत सख्त कमी है हमारे माशरे में टॉलरेंस की, जब तक टॉलरेंस नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते और हम इन सब चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस सेकंड थिंग इज दिस, इसमें हमारे एजुकेशन की तरफ फ़रोग देने की ज़रूरत है, तालीम जो है वो मैं समझता हूँ सेकंड चीज़ है कि जिसका होना बहुत ज़रूरी है, तालीम को आम करना चाहिए, आम बल्कि फ्री होनी चाहिए यार, एजुकेशन ब्रिटिश में, अमेरिका में एजुकेशन फ्री है, जहाँ बच्चे पैदा ही अंग्रेजी के साथ होते हैं, बिल्कुल, फिर भी उन्होंने तालीम फ्री की हुई है और हम अंग्रेजी सीखने के लिए लाखों डॉलर खर्च करते हैं अपने बच्चे को अंग्रेजी सिखाने के लिए, और जहाँ अंग्रेजी के साथ पैदा हो रहा है उन्होंने तालीम फ्री की हुई है, कितना डिफरेंस है आप देखिए हमारी। एस्प्रो की गोली नहीं फ्री तो यार तालीम कहाँ से फ्री होगी? अल्लाह रहम करे। एस्प्रो की गोली के लिए एक एमपीए या एक एमएनए ढूंढना पड़ता है, कम से कम नाजिम तो ढूंढना ही पड़ता है, आ जाओ अस्पताल से एक एस्प्रो की गोली ले दो, तो अल्लाह करे आपकी ख्वाहिशें पूरी हों, एजुकेशन होगी। आपकी बात तो मेरी आंखों में आंसू आए थे, आप हमें रुलाने आई हैं, आप हमें रुलाने आई। शानवाद, ये आपने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम यूनिटी अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें और हम अपने अंदर लोगों को समोने की, समाने की एक स्पेस दें अपने अंदर, जो नहीं हम लोग, हम थोड़े से कंजेस्टेड हो गए आई थिंक, और हम रियल रियल बात करते हुए घबराते हैं, सच्चाई का सामना नहीं करते, हमें चाहिए हम सच्चाई का सामना करें। आज आपको मिलकर, आपसे बातें करके बहुत सारी बातें लोगों के जहनों से भी दूर हुई होंगी कि शायद सेंसर बोर्ड हमारे यहाँ कुछ नहीं कर रहा, और फिल्म इंडस्ट्री को भी ये बातें सुन के खुशी होगी जो कुछ आप उनके लिए कर रहे हैं, और इस चीज करेंगे। इन चीज़ों को शाहनवाज साहब प्लीज इन चीज़ों को पब्लिसाइज कराएं टीवी के ऊपर कहीं, जैसे आज आप तशरीफ लाए, आपने अपनी बातें बयान फरमाई, ताकि लोगों को पता भी चले, मैं भी ऐसा ना हो जाए कि आप तो एक बजट दे दें लेकिन मुस्तहिक लोगों तक पहुंचे ना, लेकिन ऐसे इंटरव्यूज के जरिए कम से कम ये अवेयरनेस आ जाएगी लोगों को कि यार उनके लिए कोई बजट दिया गया है गवर्नमेंट से, ये खुद गवर्नमेंट के लिए भी बेहतर होता है। और मुसर जी आप तो एक एनजीओ चला ही रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, और औरतों के हकूक की बात करती हैं, बे खौफ व खतर करती हैं, बेझिझक करती हैं। मैं ये इससे हट के बात कर रहा हूँ कि मर्द औरत हो, अपोजिशन हो, हुकूमत हो, इख्तदार हो, इस इख्तलाफ हो, कुछ भी हो, इंसान हो, ऐवान हो, जानवर हो, सियासतदान हो, अवाम हो, ये सारे लोग हों, लेकिन हक और सच हमारे दिमाग में रहना चाहिए और किसके क्या राइट्स हैं ये रहना चाहिए, हंसना चाहिए, हंसाना चाहिए, मैं समझता हूँ रिलीफ की बातें करनी चाहिए जिससे रिलैक्स मिले लोगों को और कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, दिलों की उलझने बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। सही है, बिल्कुल सही। इस चीज़ को नज़र रखते हुए हमें अपने कन्फ्यूजन ख़त्म करने चाहिए, अपने फासले मिटाने चाहिए, नज़दीक आएंगे तो हमारे बहुत सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। खुदा ताला हम सब, हमारी पूरी कौम को एक दूसरे के नज़दीक आने का अल्लाह तबारक ताला मौका दे और हम एक दूसरे से फासले मिटाएं, तमाम सूबे एक मुल्क एक कौम हो जाए और मेरा पाकिस्तान एक झंडे के नीचे आए, उस दिन मुझे पता चलेगा कि वाकई में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच शाहनवाज भाई, थैंक यू, मैं बहुत मशहूर हूँ आपका टीम लाए बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा।